को बीजेपी मेगा शो बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इकाना स्टेडियम में आयोजित होने वाले शपथ समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और संघ के प्रमुख रहेंगे। यानी कुल 200 वीवीआईपी मेहमान रहेंगे, जिसमें अखिलेश यादव का नाम भी है, सोनिया गांधी का नाम भी है, मायावती का नाम भी। इन लोगों को भी न्योता दिया गया। इसके अतिरिक्त जो लाभार्थी हैं बड़े स्तर पर उनको बुलाया गया है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 से 70,000 लोग साक्षात गवाह बनेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है। नई सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो इकाना में होना है और इकाना में तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो यहां पर काम शुरू हो चुका है। लगातार जो अधिकारी हैं वो यहां पर आ रहे हैं। हालांकि स्टेडियम के अंदर जाना अभी अलाउड नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा की जो रिपीट योगी 2 की जो गवर्नमेंट है उसका शपथ ग्रहण 21 को यहाँ पर होगा और उसी को लेकर के देखिए लगातार जेसीबियां काम कर रही हैं और इकाना स्टेडियम में करीब 50,000 से ज़्यादा की क्षमता में लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ जो संघ के लोग हैं वो आमंत्रित किए जाएंगे। देश में तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उनको निमंत्रित किया जाएगा। तो ऐसे में 200 से ज़्यादा जो वीवीआईपीज़ हैं उनको बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। तो और करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा जो इस नई गवर्नमेंट का जो योगी की नई गवर्नमेंट है उनकी इस गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण जो उत्सव है वो भव्यता से मनाया जाएगा, उसको वो लोग देख सके। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं दिल्ली में संजय।